मानसून की पहली बारिश एक ओर जहां किसानों के चेहरे खिले तो वहीं दूसरी ओर बाड़मेर क्षेत्र के लिए ये मानसून की पहली बारिश किसी कहर से कम नहीं थी। आपको बता दें कि कल मानसून की पहली बारिश हुई जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे, लेकिन सीमावर्ती बाड़मेर जिले के लिए ये मानसून की पहली बारिश कहर से कम नहीं थी। 5 घंटे की लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से कई बस्तियां जलमग्न हो गई, सड़कें जलमग्न हो गई, यहां तक कि पहाड़ों से तेज बहाव के साथ आए पानी ने अपने साथ कई वाहनों को लेकर चले गई। पानी के तेज बहाव की वजह से वाहन पानी के ऊपर तैरते हुए नजर आए। आपको बता दें कि बाड़मेर जिले में सोमवार सुबह गर्मी और उमस की वजह से लोगों का हाल बेहाल रहा, लेकिन देखते ही देखते दोपहर तक आसमान में बादल छाने लगे और शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये बारिश मूसलाधार बारिश के रूप में बदल गई और लगातार 5 घंटे मूसलाधार बारिश हुई जिसकी वजह से बाड़मेर के कई इलाके जलमग्न हो गए। मानसून की पहली बारिश सबसे अधिक नुकसान चौहाटन इलाके में हुआ। मानसून की इस बारिश की वजह से प्रशासन की पोल खोल के रख दी। चौहाटन के मुख्य रोड पर नाला ओवरफ्लो बहने लगा जिसके चलते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उसके बाद प्रशासन ने जेसीबी लगाकर पानी के निकासी का कार्य शुरू किया। इस पानी के तेज बहाव की वजह से कई वाहन पानी के ऊपर तैरते हुए नजर आ रहे थे। कई मालिकों ने अपने वाहनों को संभालने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से वो उसमें असफल रहे। इस तेज बहाव के साथ कई वाहन तैरते नजर आए। तेज मूसलाधार बारिश की वजह से बाड़मेर मुनाबाव सड़क जलमग्न हो गई। इसके साथ ही हातमा और रामसर गड्ढा रोड तेज बहाव के कारण ये सड़क पूरी तरह बह गई, जिसकी वजह से कई इलाकों से संपर्क टूट गया। साथ ही निचले इलाकों में कई घरों में पानी भर गया। घरों में पानी भरने की वजह से घर में रखा सामान पानी के ऊपर तैरता हुआ नजर आया। लोग अपने सामान को बचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन उसमें असफल रहे। मानसून की पहली बारिश इस तरह कहर बरफाएगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था, लेकिन जिस तरीके से कल बाड़मेर के अंदर जो बारिश हुई उससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई गांवों के संपर्क टूटने की वजह से लोग परेशान हैं। साथ ही कई लोग तो अपने वाहनों को ढूंढते हुए नजर आए। लोगों को अपना वाहन किसी नाले के अंदर मिला तो कई गांवों से काफी दूर उनको वाहन मिले।